नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में भारी हंगामा। बीएसपी सुप्रीमो ने उठाया ऊना में दलितों के उत्पीड़न का मामला। कहा, केंद्र में बीजेपी की सरकार आने से बढ़ा दलितों पर अत्याचार। पीएम मोदी ने विपक्ष से की सहयोग की अपील। जम्मू कश्मीर में हिंसा के 10वें दिन पीडीपी विधायक पर हमला। श्रीनगर में भीड़ ने गाड़ी पर की पत्थरबाजी। विधायक की गाड़ी पलटी, अस्पताल में हालत स्थिर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। गुरुद्वारे में बर्तन मांझकर मांगी माफी। आप नेता आशीष खेतान ने गुरु ग्रंथ साहिब से की थी मैनिफेस्टो की तुलना। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां होंगी बंद। एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ को दिया निर्देश। आरटीओ से जल्द अमल करने को कहा। हरियाणा के रोहतक में इंसानियत फिर हुई शर्मसार। 3 साल में दूसरी बार लड़की से गैंगरेप। उन्हें आरोपियों पर लगा गैंगरेप का आरोप। घरेलू हिंसा में फंसे आपके एक और विधायक। कोंडली से विधायक मनोज कुमार आज महिला आयोग के सामने हुए पेश। पत्नी ने दर्ज कराया मामला। जारी है बारिश का कहर। यूपी में 15 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश ने ली 10 की जान। दिल्ली में जल जमाव के चलते जगह जगह लगा लंबा जाम। और अमेरिका के बैटन रूज में 3 पुलिस वालों की हत्या। अश्वेत की पिटाई के विवाद में डलास के बाद हुई दूसरी घटना। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संसद के मानसून सत्र के साथ। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, जहां लोकसभा दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई हंगामेदार रही। लोकसभा के मौजूदा सदस्य दलपत सिंह परास्ते के निधन के चलते आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुजरात राज्य के ऊना में दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस घटना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मायावती ने सभा में बीजेपी सरकार का नाम लिया, जिसका केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने विरोध किया। जब मायावती ने अपनी बात पूरी की, उसके बाद पार्टी के अन्य सदस्य वेल में उतर आए और जोरदार हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। वही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। पीएम ने सोनिया गांधी से उनकी सीट पर जाकर मुलाकात की। करीब 30 सेकंड तक दोनों की बातचीत हुई। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव और तृणमूल नेताओं से भी मोदी ने बातचीत की। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां हिंसक भीड़ ने पीडीपी विधायक मोहम्मद खलील बंद पर हमला कर दिया। हमले में खलील बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलवामा से विधायक खलील बंद देर रात श्रीनगर जा रहे थे, तभी भीड़ ने उनकी कार पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ को आते देख खलील के ड्राइवर ने तेज गति से कार को भगाने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान कार पलट गई और विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही घाटी सुलग रही है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान पीडीपी के कई नेताओं पर हमले किए जा चुके हैं। विधायकों पर आरोप है कि वे लोगों के पास नहीं जाते, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते और यहां तक कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा भी नहीं करते। हालांकि मोहम्मद खलील बंद अपने निर्वाचन क्षेत्र पुलवामा से ही श्रीनगर लौट रहे थे। वहीं हिंसा को देखते हुए स्कूल कॉलेज की छुट्टियाँ 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वहीं मोबाइल टीवी इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है। हुर्रियत नेताओं की 3 दिवसीय हड़ताल का आज तीसरा दिन है। और अब रुक करते अगली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव साधने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माफी मांगने के लिए बर्तन धोए। उन्होंने अपनी पार्टी के यूथ मैनिफेस्टो में सिख धर्मस्थल की तस्वीर के साथ चुनाव चिन्ह झाड़ू इस्तेमाल करने को अनजाने में की गई गलती बताया। केजरीवाल ने यहाँ कार सेवा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां अपने यूथ मैनिफेस्टो में अनजाने में हुई गलती की माफी मांगने आया हूं। अब मुझे शांति मिल गई है। इस दौरान केजरीवाल के साथ आशीष खेतान, सुच्चा सिंह छोटेपुर, पूर्व पत्रकार कवर संधु, भगवंत मान और साधु सिंह सहित कई नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ पंजाब में शिकायत भी की गई थी। इस मैनिफेस्टो विवाद के चलते उनकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी। हालांकि बाद में खेतान ने यह कहते हुए माफी मांग ली थी कि उनका मकसद पवित्र धर्म ग्रंथ का निरादर करना नहीं था। और अब अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एनजीटी ने राजधानी दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का आदेश दिया है। दिल्ली आरटीओ को जारी किए गए आदेश में एनजीटी ने कहा कि इस पर तत्काल अमल किया जाए। आरटीओ जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा, उनकी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जाए। एनजीटी के आदेश के बाद आरटीओ अब इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा।
ट्रकों को फिलहाल कुछ समय के लिए राहत दी गई है। एनजीटी ने यह भी सवाल किया कि धूल और कूड़ा जलाने से भी प्रदूषण होता है, उसके लिए जो निर्देश जारी हुए थे उस पर क्या हुआ, उस पर संबंधित विभाग अलग अलग स्टेटस रिपोर्ट सौंपें। एनजीटी ने कहा कि ऑड इवन के दौरान भी हवा की गुणवत्ता नहीं सुधरी, इसकी एक वजह पुराने वाहन है। दुनिया भर में रिसर्च में सामने आया है कि डीजल के वाहनों से कई गुना प्रदूषण होता है। हरियाणा के रोहतक से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां गैंगरेप की शिकार हुई दलित युवती का फिर से गैंगरेप किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता का गैंगरेप फिर से उन्हीं आरोपियों ने किया है जिन्होंने 3 साल पहले उसे अपने हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता बुधवार सुबह घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। घर ना लौटने पर जब परिजनों ने पीड़िता की तलाश की तो वह सुखपुरा चौक पर बुरी हालत में मिली। इस बीच पीड़िता को रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के मुताबिक ये लड़के 2013 के पिछले गैंगरेप मामले में समझौता करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे, और उन्होंने इसी बात की सजा इस लड़की को दी कि वह कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रही है। फिलहाल पुलिस ने लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के एक और विधायक घरेलू हिंसा के मामले में फंस गए हैं। कोंडली से विधायक मनोज कुमार आज दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश हुए। महिला आयोग ने विधायक की पत्नी की शिकायत पर मनोज को समन भेजा था। मनोज की पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि आप विधायक सोमनाथ भारती भी घरेलू हिंसा के मामले में फंसे हुए हैं। मनोज से पहले आपके कई और विधायकों पर महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगा था। इन केसों को लेकर रविवार को टॉक टू एके कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनके विधायकों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। और अब बात बारिश की, जिसका सबसे ज्यादा असर यूपी उत्तराखंड में देखा जा रहा है। यूपी में बारिश मौत बनकर आई है। यहां अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वाहनों की आवाजाही धीमी होने की वजह से कई क्षेत्रों में रेल और सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। बारिश के चलते कई क्षेत्रों में रेल और सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते 4 और लोग मौत के मुंह में समा गए। 2 दिनों में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे भी रुक गया है। रास्तों पर पड़ा मलबा परेशानी का सबब बना हुआ है। भारी बारिश के चलते चमोली जनपद में 44 संपर्क मार्ग मलबा आने से बंद पड़े हैं। अलकनंदा, पिंडर, नंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश का असर तीर्थ यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। यहां बद्रीनाथ हाईवे के अवरुद्ध होने से करीब 400 यात्रियों को जोशीमठ, बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर में रोका गया है। दूसरी तरफ दिल्ली और NCR में लगातार हो रही बारिश की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। वहीं कई रास्तों पर लंबा जाम भी लग गया है। दिल्ली में भी पिछले 2 दिन से जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पिछले 2 दिन छुट्टी होने की वजह से ट्रैफिक का उतना बुरा हाल नहीं था जितना आज देखा जा रहा है। और अब रुक करते अगली खबर का। अमेरिका में पुलिस कर्मियों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। लुसियाना राज्य के बेटन रूज में रविवार को एक हमलावर ने 3 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में 7 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को भी मार गिराया। बेटन रूज पुलिस ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे असॉल्ट राइफल लेकर घूम रहा है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों को देखते ही हमलावर ने उन पर गोलीबारी करना शुरू कर दी। इसमें 3 पुलिस अधिकारी मारे गए। इस बीच पुलिस प्रवक्ता ने स्थानीय लोगों को घरों में ही रहने को कहा है। एयरलाइन हाईवे सहित तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस घटना को अमेरिका में अश्वेतों और पुलिस के बीच बड़े विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।